बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन रियाज इन्फो। आज हम आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो डेली रूटीन में आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर घर की ज़रूरत है, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुज़ुर्ग इसे इस्तेमाल करता है। आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा, ये कौन सी मेडिसिन है? जी हाँ, ये वही मेडिसिन है जो आपके घर में इस वक्त मौजूद है, पैनाडोल। इसे कितना इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, और कितनी उम्र में इसे कितना डोज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, इसके एडवर्स इवेंट्स और इसके रिस्क। पैनाडोल, जिसका मालिक्यूल पैरासिटामोल है, ये ओटीसी मेडिसिन है। ओटीसी मेडिसिन उन्हें कहते हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर फार्मेसी से किसी मेडिकल स्टोर से हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका मोड ऑफ इंडिकेशन है, यानी कि इसका काम करने का जो तरीका कार है, ये इसे एंटी फ्रेटिक कहते हैं और एंटी एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंटी फ्रेटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एनाल्जेसिक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी फीवर को कम करती है। बेसिकली हम पैनाडोल लेते क्यों हैं? पैनाडोल लेने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। ये किस किस इंडिकेशन में ली जा सकती है? हम इसे बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे मसल्स पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें पट्ठों का दर्द होता है, हमें दिमाग में दर्द होता है, हमें सर में दर्द होता है, जिसे हम माइग्रेन भी बोलते हैं, इसे आधे दिमाग का दर्द भी बोलते हैं। दांत में हमें दर्द होती है तो हम पैनाडोल लेते हैं। हम अक्सर औकात कोई वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो हमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें फीवर या हमारे जिस्म में दर्द शुरू होती है, तो हम उस सूरत में भी पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन डिसमेनोरिया के अंदर इस्तेमाल करती हैं, या में मखसूस के अंदर ख़वातीन को पेन आती हैं, तो उस सूरत में भी हम पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे उसकी एडवांटेजेस। इसके साथ साथ इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें इसमें डेजीनेस है, फटीक है, डायरिया हो सकता है, इसे रेगुलर इस्तेमाल करने से वीकनेस भी हो सकती है। पैनाडोल पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। नंबर टू पे पैनाडोल रेड पैक में भी आती है। हम अक्सर उकात बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ये पैनाडोल एक्स्ट्रा, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पैनाडोल के अंदर पैरासिटामोल होती है, जबकि पैनाडोल एक्स्ट्रा के अंदर पैरासिटामोल के साथ कैफीन भी होती है। और ये कैफीन क्या काम करती है? ये एक्स्ट्रा काम करती है, जैसे हम चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, या आप कॉफ़ी पीते हैं उसमें कैफीन होती है, ये आपको मज़ीद जो है ना एक्टिव करती है। बच्चों के लिए, जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, जो एक दिन से लेकर 2 साल तक होते हैं, उन्हें हम पैनाडोल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। 2 साल से लेके 6 साल तक हम पैनाडोल का सिरप इस्तेमाल करते हैं। 6 साल से 12 साल तक हम पैनाडोल फोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए। डोज के हवाले से बात की जाए तो अडल्ट के लिए 500 टू 1000 मिलीग्राम हर 6 घंटे बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के अंदर एक दिन से लेके 12 साल के बच्चों के साथ 12 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में पैनाडोल CF के नाम से भी अवेलेबल है। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार की सूरत में इस्तेमाल की जाती है। ये पैनाडोल CF के नाम से मशहूर है। इसमें ग्रीन पैकिंग में आती है, और इसी तरह पैनाडोल एक येलो पैकिंग में भी आती है, जो सेम काम करती है, जो इंडिकेशन सेम है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार को कवर करती है। अब हम लोग के दिमाग में एक सवाल आता है कि दोनों पैनाडोल एक ही काम करती हैं तो इन्हें अलग-अलग पैकिंग के अंदर, अलग-अलग कलर के अंदर क्यों बनाया गया है? जी जनाब, पैनाडोल CF जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे खाने के बाद हमें सेडेशन आती है। सेडेशन उसे कहते हैं जब हम खाते हैं तो हमें थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाती है, जबकि पैनाडोल CF येलो पैकिंग के अंदर हम जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर सेडेशन नहीं होती। पैनाडोल के साथ साथ मार्केट में दूसरे ब्रांड भी पैरासिटामोल बना रहे हैं, जिसमें कालपोल सर फहरिस्त है। इसकी सेम डोजेज है, 500 मिलीग्राम में अवेलेबल है। इसी तरह कालपोल
सिरप भी आता है मार्केट में जो 2 साल से 6 साल के बच्चों तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कालपोल प्लस है, कालपोल प्लस 6 साल से 12 साल के बच्चों को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी डोज, इसकी जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं उसी तरह ही हैं जो हम पैनाडोल के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पेड्रोल के नाम से एक गोली मार्केट में अवेलेबल है जो स्टैनले कंपनी में आती है, ये भी 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल है। इसी फेब्रोल के नाम से इसका एक सिरप अवेलेबल है जो 2 साल से 6 साल के बच्चों को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। मार्केट में कंपनी फेब्रोल के नाम से भी काम कर रही है जिसे जो पैरास्टामोल बनाती है, सेम फार्मूलेशन के अंदर 500 मिलीग्राम में ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं आपको हमें हमारे पैनाडोल और पैरास्टामोल की जो डिस्कशन हुई है जिस तरीके से हम उसमें हमने आपको इंडिकेशन बताई है, साइड इफेक्ट्स बताए हैं, एडवर्स इवेंट बताए हैं, डोज बताई हैं और दूसरे ब्रांड्स के बारे में आपको बताया, आपके इलम में इजाफा होगा। आपकी कीमती राय के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।